हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्पंदन अकेडमी क्लास सब्जेक्ट इंग्लिश क्लास 8। टुडे वी विल रीड लेसन 2। लेसन नेम इज द मेकिंग ऑफ द मिसाइल मैन। मिसाइल मैन का निर्माण। हैव यू हर्ड अबाउट द मिसाइल मैन हु हैज पुट आवर कंट्री ऑन द मैप ऑफ द साइंटिफिक नेशन इन द वर्ल्ड। क्या तुमने मिसाइल मैन के बारे में सुना है जिन्होंने अपनी कंट्री को मैप में लाया है। यस, ही इज नन अदर Then the 11th President of India, Abul Fakir Jainuddin Abdul Kalam. He comes from a middle class family, but by virtue of his hard work and determination, he rose to the highest office of our country. ये कौन है? ये 11th President है हमारे इंडिया के। ये कौन सी फैमिली से आए थे? ये मिडिल क्लास फैमिली से थे। इनके हार्ड वर्क और मेहनत से वो कंट्री के हाईएस्ट ऑफिसर बन चुके हैं। इस फादर वॉज अ पुअर मैन। फ्रॉम हिज अब्दुल कलाम लर्न टू रिस्पेक्ट और लीजियंस। ही रीड नॉट ओनली द होली कुरान बट ऑल्सो द गीता। उनके पापा गरीब व्यक्ति थे और अब्दुल कलाम ने अपने पापा से पूरे लीजेंस की रिस्पेक्ट करना सीखा था। यह सिर्फ होली कुरान ही नहीं बल्कि गीता भी पढ़ते थे। हिज फैमिली मेड इट्स लिविंग बाय फेयरिंग पिलग्रिम्स बिटवीन धनुषकोडी एंड रामेश्वरम इन तमिलनाडु, बट आ devastating cyclone destroyed their boat. As a result, the family lost its only source of livelihood means। और इनकी जो फैमिली थी वो तीर्थ यात्रियों को धनुषकोडी से रामेश्वरम तक की जो यात्रा थी वह कराती थी, और साइक्लोन आने के कारण जो उनकी बोट थी वह खराब हो चुकी थी और फैमिली के पास कोई सोर्स रहने का नहीं बचा था। अब्दुल कलाम हैड टू फेस अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज इन परस्यूइंग हिज स्टडी इन ऑर्डर टू हेल्प द फैमिली थ्रू दियर क्रिसिस। कलाम कलेक्टेड टमराइंड seeds and sold them to a shop. For this he was paid a lordly sum of about 6 पैसे आना। फिर अब्दुल कलाम को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ झेलनी पड़ी थी। अपनी पढ़ाई करने और अपनी फैमिली के हेल्प करने के लिए अब्दुल कलाम ने इमली के बीजों को कलेक्ट करके और उन्हें शॉप पर जाकर बेचा करते थे, और यह बेचने से उनको 6 पैसे 1 आना मिलते थे। ही ऑल्सो कलेक्टेड अ पॉपुलर न्यूज़पेपर इन तमिल दिनमणि एट रामेश्वरम रेलवे स्टेशन एंड हेल्प हिज कजन समुद्दीन इन सेलिंग इट। फॉर दिस सर्विस कलाम वॉज पेड अ लिटिल मनी, दो इज अर्निंग्स वॉज वेरी लिटिल। ही वॉज हैप्पी दैट ही वॉज एबल टू केयर फॉर हिज फैमिली। और वो न्यूज़पेपर कलेक्ट करके रामेश्वरम रेलवे स्टेशन पर बेचा करते थे और अपने कजन भाई की हेल्प करते थे, और इस सर्विस के लिए उन्हें थोड़े बहुत पैसे मिलते थे, और थोड़े से पैसे से ही वो बहुत खुश होकर और अपनी फैमिली की केयर करते थे। एट स्कूल ही वॉज ईगर टू लर्न अबाउट एवरीथिंग। इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस एंड तमिल वर हिज फेवरेट सब्जेक्ट। ही हैज रिटन मैनी पोएम इन तमिल एज वेल एज इन इंग्लिश। और स्कूल में वो बहुत सारी चीज़ों को सीखने के लिए उत्सुक रहते थे। इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, तमिल इनके फेवरेट सब्जेक्ट थे, और उन्होंने बहुत सारी पोएम तमिल और इंग्लिश में लिखी भी थी। ही यूज्ड टू स्पेंड हिज टाइम ऑन द बीच व्हेनेवर ही सा अ बर्ड Hisha, a bird flying, he also wished to fly like it. और ज़्यादा टाइम वो अपना बीच पर गुजारते थे और जैसे ही वो बर्ड को देखते थे और वो सोचते थे कि मैं भी इनकी तरह उड़ सकता या उड़ूँ. दिस पैशन फॉर फ्लाइंग इंस्पायर्ड अब्दुल कलाम टू डिजाइन SLV-3 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. और इसी पैशन से वो भी इंस्पायर हुए. He studied till 10:30 p.m. daily. There was no electricity in his house, so he had to study by the dim light of kerosene lamp. और वो रात के 10:30 तक पढ़ाई किया करते थे. उनके घर में लाइट नहीं होती थी. वो दिया जलाकर उसकी लाइट में अपनी पढ़ाई किया करते थे. At school, his close friend was Ramananda Shastri, whose father was the high priest of Rameshwaram temple. Ramananda and Abdul Kalam used to sit together in the class. One day, a new teacher came to their class. स्कूल में उनका क्लोज फ्रेंड था रामानंदा शास्त्री और उनके पापा बहुत बड़े पंडित थे रामेश्वरम के. रामानंदा और अब्दुल कलाम दोनों एक साथ क्लास में बैठते थे. एक दिन न्यू टीचर उनके क्लास में आई. ही कुड नॉट टोलरेट अ मुस्लिम सिटिंग नेक्स्ट टू ब्राह्मण. ही ऑर्डर्ड अब्दुल कलाम टू गो एंड सिट इन द बैक रो. रामानंदा वॉज on the verge of tears. The agony was too much for both Kalam and Ramananda. और वो टॉलरेट नहीं कर पा रही थी कि जो मुस्लिम हैं वह ब्राह्मण के पास बैठे. और उन्होंने ऑर्डर किया अब्दुल कलाम को कि आप पीछे जाकर बैठ जाओ. रामानंदा फूट फूट कर रोने लगे और यह दुख उनके लिए बहुत बड़ा था रामानंदा और अब्दुल कलाम दोनों के लिए. When Ramananda's father came to know what had happened in the class, he sent for the teacher. He told the teacher what he had done would only breed communalism. That means, जब रामानंदा के फादर स्कूल में आए और पूछा कि क्लास में क्या हुआ था तो उनको टीचर के पास भेज दिया गया. उन्होंने टीचर से पूछा कि दो समाज के एक साथ बैठने के अलावा इन लोगों ने क्या गलत किया. देयर वॉज अनादर इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ऑफ हिज स्कूल लाइफ. हिज टीचर वॉज वन मिस्टर शिवासुब्रमण्य अय्यर. ही वॉज अ ब्रॉड माइंडेड पर्सन. वन डे ही invited Abdul Kalam to have lunch with him, but his wife, an orthodox woman, refused to serve food to Abdul Kalam, but the teacher himself served the food to his favorite student without any hesitation. His wife watched the scene. The very next week, the served Abdul Kalam the lunch very happily. From the incident, the learned that perseverance makes miracles. Means एक और इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है इनकी स्कूल लाइफ का. उनके एक टीचर थे जिनका नाम था शिवासुब्रमण्य अय्यर. वो बहुत ज़्यादा माइंडेड वाले पर्सन थे. एक दिन उन्होंने अब्दुल कलाम को अपने घर खाने पर बुलाया. उनके जो वाइफ थी वो बहुत धर्मवादी औरत थी. उन्होंने अब्दुल कलाम से कहा तुम खुद खाना सर्व करो. फिर टीचर ने बिना हिचकिचाते हुए अपने स्टूडेंट को खाना सर्व किया. उनकी जो वाइफ थी उन्होंने ये पूरा सीन देखा और यही सीख कर वो नेक्स्ट वीक जब अब्दुल कलाम फिर से लंच पर आए तो उन्होंने खुश होकर लंच किया. और इसी इंसिडेंट से उन्होंने सीखा कि मेहनत करने से चमत्कार होते हैं. अब्दुल कलाम जॉइन आ boarding high school Abdul Kalam joined a boarding high school at Ramanathapuram. Here he learned that desires, beliefs and expectations are the key to success in life. He was the favorite student of the school among the teachers. He always remembered the motto of the school, Sachbarj High School. अब्दुल कलाम ने एक और स्कूल ज्वाइन किया रामानंदापुरम में और वहां से उन्होंने सीखा कि विश्वास करना ही सबसे बड़ी सफलता की पूंजी है। वो उस स्कूल के फेवरेट स्टूडेंट बन गए। वो हमेशा स्कूल का मोटो याद रखते थे। Let no day winged days be spent in vain. When once gone, no gold can buy them back. उन्होंने इस मोटो से यह सीखा था कि जब भी हम कोई काम करें तो पूरे विश्वास से करें। अगर कोई चीज़ एक बार चली जाती है या छूट जाती है वह फिर कभी वापस नहीं आती है। He not only remembered these words but also acted accordingly to become an eminent person. He was always fascinated by the mysteries of the sky, so he decided to go in aeronautics branch. When he got admission in Madras Institute of Technology MIT, his father was not in a position to pay the huge amount as a fee. In the grim situation, his sister came forward as an angel. और उन्होंने ये वर्ड्स रिमेंबर रखे ही नहीं थे बल्कि उस पर काम भी किया था और वे प्रसिद्ध आदमी बन गए थे। वो हमेशा जादुई रहस्य देखा करते थे। आसमान में उन्होंने डिसाइड किया कि वो एरोनॉटिक्स ब्रांच में जाएंगे। जब उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया था उनके जो पापा थे वो इस स्थिति में नहीं थे कि वह फीस पे कर सकें। ऐसी स्थिति में उनकी सिस्टर एंजल बनकर आई थी। शी डिसाइडेड द मॉर्टेज हर ऑर्नामेंट्स टू रेज द रिक्वायर्ड फील. इट वॉज वाई हर सिंपथी एंड compassion that he joined MIT. Kalam vowed when to redeem the ornaments as early as possible. The moment he started earning, he honored his commitment. और उन्होंने डिसाइड किया कि उनके जो गहने थे उनको गिरवी रखकर वह फीस भरेंगी। उनकी ही सिंपति से उन्होंने MIT ज्वाइन किया। कलाम चाहते थे कि जो बहन के गहने गिरवी रखे थे मैं उनको जल्द से जल्द वापस कर दूं। जैसे ही उन्होंने कमाना शुरू किया उन्होंने अपने कमिटमेंट पर काम चालू कर दिया. एट एवरी स्टेप ऑफ हिज करियर सक्सेस फॉलोइड हिज क्लोजली एज अ शैडो. पद्म भूषण एंड देन पद्म विभूषण वर confirmed upon him. It was the fittest gesture of the government of India to bestow Bharat Ratna on him in 1997. When he got this award, he told the media that he still remembers Ramanand cry in the class when I changed to the rear row. उनके पास पद्म भूषण और पद्म विभूषण और उनको क्या हुआ, उनको पद्म भूषण पुरस्कार मिले और उन्होंने अपने हर स्टेप पर सक्सेस मिली और उनको 1997 में भारत रत्न अवार्ड भी मिला था। उन्हें जब ये अवार्ड मिला था उन्हें मीडिया की जब उनको ये अवार्ड मिला था तब उन्होंने मीडिया को वह चीज़ बताई थी कि मुझे अभी तक याद है कि रामानंदा क्लास में बहुत ज़ोर से फूट कर रोया था. ऑन 25 जुलाई 2002 when he was sworn in as the President of India, the Schools celebrate the day as festival. Sweets were distributed among the teachers and students during the assembly. The teachers showed praise on him and exhorted the student to emulate his example. और 25 जुलाई को 2002 में जब उनको इंडिया का प्रेसिडेंट बनाया गया तो पूरे स्कूल में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया और मिठाई वगैरह सबको बीच में बांटी गई और पूरी असेंबली के सामने उनकी प्रशंसा की गई और सबको बताया गया कि हम भी समझदार स्टूडेंट बनकर सभी काम करें, हमको समझदार स्टूडेंट बनकर सभी कार्य को करना चाहिए, सभी काम को करना चाहिए।